गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फास्ट्रैक कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड में, वो एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। और जो 17 सितंबर 2018 को एग्जाम हो चुकी है, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारा क्वेश्चन जो स्टूडेंट लोग वहाँ के एग्जाम दिए और वही स्टूडेंट मेरे जो स्टूडेंट रहे थे वो मेरे क्लास अटेंड किए, तो वही लोगों को क्वेश्चन दिए। ठीक है, हम बस उसी क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और आप अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज सवाल को नहीं लिख रहे हैं पूरा पूरी, बिकॉज एक सवाल से बहुत सारा सवाल जितना भी बन पाएगा, एक सवाल से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो सब का सवाल पूछ देंगे। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और लेट अस गो। सब लोग अपने वो कॉपी कलम खोल लेंगे और अगर चाहें तो आप सवाल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल के बारे में बात करें, सवाल रहा था वो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है। आप जवाब जान लीजिए, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम मिथाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, और इससे समय एक सवाल और रेलवे बहुत बार पूछा, वो आपको बता रहे हैं। जैसे आता ना वो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, जवाब में हमेशा होता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक इसको बेहोशी बोलते हैं। ठीक है, बेहोशी के दवा के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक सवाल और बहुत बार वो आ चुका है एग्जाम में, वो कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था। तो जान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार उसी व्यक्ति ने किया था जो ये रेफ्रिजरेटर का खोज किए थे। उनका नाम रहा था जेम्स हैरिसन। मतलब ये कि रेफ्रिजरेटर और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार कौन किए थे, जेम्स हैरिसन। ठीक है, अगले सवाल में आ रहे हैं। अगला एक सवाल रहा था कल का, वो 1 माइक्रोन का मान कितने मीटर के बराबर होता है। तो हम बता दें, अगले बार आपको एक ट्रिक देंगे हम, वो माइक्रोन वो जो भी है, मिली माइक्रोन नैनो फेको सब जो भी है, उसका ट्रिक आपको हम देंगे अगले वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी जान लिया आपको एग्जाम कैंडिडेट्स के बारे में। तो 1 माइक्रोन का मान होता है 10^-6 मीटर के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानिए, वो लक्स किसकी इकाई है। लक्स है ना वो किस भौतिक राशि की यूनिट है या फिर इकाई है। जवाब जानिए, प्रतिदीप्ति घनत्व के मात्रक को बोलते हैं लक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो आप जान लीजिए, ध्वनि का तारत्व उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, मतलब उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। और एक यहाँ से सवाल और बनता है, वो आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। जवाब जान लीजिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, एक सवाल और यहाँ से वो राइज हो रहा है ना, उससे जैसे वो मनुष्य की श्रवण शक्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो जान लीजिए, आप 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य आसानी से सुन पाता है। ठीक है, ये मनुष्य की श्रवण शक्ति है। अगला सवाल था, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। सबसे पहले आप ये जानिए ना कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु सवाल पूछा है। ठीक है, कई बार होता है एग्जाम में पूछ जाता है कि वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है या फिर अब पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि ताजा पानी और पानी दोनों अलग अलग फैक्टर, लेकिन नहीं, जान लीजिए ताजा पानी हो या पानी हो, जवाब एक ही होना है, 0°C। हाँ, बट यहाँ थोड़े सा समझने वाली बात क्या है कि आप जानिए, अगर 0°C है तब तो ठीक है बात, लेकिन कई बार ये यूनिट कैल्विन का भी होता है, कई बार फॉरनहाइट का भी होता है, तो यूनिट कुछ भी हो सकता है। बट जब यूनिट बदला मतलब जवाब भी बदलेगा, तो आप एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, सेल्सियस फॉरनहाइट और कैल्विन में एक संबंध है, तीनों पैमाने में एक संबंध है, आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। C/5 = (-32/9) = (-273/5). अब इस फॉर्मूले का बोलिए, फिर विश्लेषण का प्रयोग करके आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। या फिर इसके सवाल में कुछ और रहा था, जैसे 0°C में रहता तो ठीक है, पहला अगर रहा था ना वो कैल्विन में कितना मान हुआ, देखिए आप, तो C/5 का वैल्यू वो बराबर होता है K/273/5 के, अगर इसको कैलकुलेट कर दिए, 5 5 कैंसिल, सी का मान 0 मतलब ये कैंसिल, तो के बराबर कितना हो गया, 273°। मतलब ये करने का मतलब ये हो गया कि अगर सवाल में पूछा तो ना कैल्विन में कितना होता, पानी का हिमांक बिंदु कैल्विन में कितना होगा, तो जवाब कितना होगा बस 273°C। ठीक है, अगले सवाल, अगला सवाल है, वो भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी और उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। जानिए, उसमें काफ़ी जान माल की नुकसान हुई थी। ठीक है, तो अब भोपाल गैस त्रासदी की घटना कभी पर एग्जाम में ना, ये 2 दिसंबर के आधी रात में हुआ था, कई बार वो ऑप्शन में 2 दिसंबर 1984 मिलता है, कई बार 3 दिसंबर, तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। मतलब ये कि 2 या 3 दिसंबर जो ऑप्शन में हो वो होना है छोटा हेड और बड़ा 1984। 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और कभी कभी मिथाइल आइसोसाइनाइड के समय एक सवाल आ जाता है, वो
वो मिक का फुल फॉर्म क्या होता है, मिक ये मिथाइल आइसोसाइनेट का वो शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म पर सवाल पूछता सीधा कुछ ही पूछ सकता है। अगर सवाल पूछे MIC या मिक गैस का वहाँ पूरा नाम क्या होता है, जवाब मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा ठीक है। अगले सवाल में हमारे अगला सवाल है ना, वो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, जवाब में जान लिया हीलियम और उसका वो संकेत आप ध्यान रखेंगे HE से हीलियम को इंडिकेट करते हैं, HE हीलियम ठीक है। अगले सवाल के बारे में बात करें, अगला सवाल आपके पास है मानव से के मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, खासकर के रेलवे में या फिर इंटर लेवल कोई भी एग्जाम SSC हो या फिर अपने पिछले टेक्निशियन मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या होती है 8, अगर पूरे कान में हड्डियों की संख्या कितनी, जवाब में 6, अगर पूछे चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी, जवाब में 14, और अगर पूछे ना वो अपने जीवा में वो हड्डियों की संख्या कितनी, जवाब में 1। मतलब ये अगर सवाल पूछे ना कि अपने मुंडी मतलब अपने गर्दन से ऊपर मानव शरीर में कितनी हड्डी का, जवाब कितना होगा 8, 6, 14, 14।